सप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म एवं शिक्षा गुरुदेव और समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मैं असंख्य कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। महाराज प्लीज कमिए। तत्पश्चात सपरिकर श्रील प्रभुपाद, सपरिकर सचिनंदन गौर हरि, सपरिकर श्री श्री राधा माधव राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में प्रणाम। मंच पर उपस्थित मंत्रणी पादगण, ब्रह्मचारी वैष्णव ऋषि को मेरा यथा योग्य प्रणाम है। कार्तिक मास का समापन और इसको कहा गया विदाई समारोह, जिसमें कुछ भक्त लोग भावुक भी हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, भावुक भी हो रहे हैं। क्यों? बहुत समय से एक रूटीन चल रहा था, सुबह मंगल आरती, गुरु पूजा, हरि कथा, नामोदष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष, नंदन नंदन अष्टकम और स्थान स्थान पर जाकर धाम के महात्म्य को शब्द कर। इन सब क्रिया से ये किस लिए किया जा रहा है? भजन। और उसके संबंध में क्या कहा? भजन मध्य श्रेष्ठ नम विदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। क्या करें, भजन की समस्त क्रियाओं में नव विधा भक्ति इतनी पराक्रमी, इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्ति धारण करती है कि कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। तो हम लोग एक महीने की परिक्रमा, जो कि इस कारण क्या, इसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति उद्देश्य है। कृष्ण प्राप्ति उद्देश्य नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, जिसके लिए ऋषि मुनि कितना साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं हजारों वर्ष की, मगर हम लोगों ने कौन सा व्रत किया? इतने साधारण रूप में, इतने सरल रूप में, सारी फैसिलिटीज के साथ हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्ति के उद्देश्य से गुरु जी का जो वचन था, जो कि सनातन गोस्वामी जी का आशीर्वाद बृहद भागवतम ऋतम में जो बात कही, नारद जी ने श्री कृष्ण से संकल्प लिया, जो भी आपके लीला स्थलियों पर जाकर आपकी कथाओं को सुनेगा आपको उनको प्रेम देना ही पड़ेगा, बाध्य हैं भगवान। गुरु जी इस वाणी को, इस वचन को लेकर उन्होंने परिक्रमा आरंभ की। 1996 में गुरु जी सारे विश्व को बुलाकर परिक्रमा किया, लेकिन उससे पूर्व 96 से पहले कभी 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी 8 दिन, ऐसे एक महीने की सर्वत्र स्थान स्थान पर जाकर परिक्रमा नहीं होती थी। और अगर लेक्चर सुने जाएं गुरुदेव के, उसमें गुरुजी सुबह जो सभा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उसमें सबसे पूछ रहे हैं, अच्छा भैया आज कहाँ चलें? तो पहले से ये भी निर्धारित नहीं है कि आज जाना कहाँ है, चलो आज गोकुल रावल चलते हैं, ऐसे 10-10, 12-12 दिन की परिक्रमा होती थी। परम गुरुदेव श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज कभी 2 सप्ताह, कभी 3 सप्ताह, समटाइम्स 2 वीक्स, समटाइम्स 3 वीक्स, कभी अयोध्या में, कभी बद्रीधाम में, कभी श्रीरंगम में, कभी रामेश्वरम में, कभी द्वारका में भी, ये पूरा लेखनीय श्री भक्तिवेदांत त्रिक्रम गोसाई महाराज पूरा लिख, आप परम गुरु जी की बायोग्राफी पढ़ लो, उसमें सब लिखा है। त्रिक्रम महाराज जी अकाउंट देते थे हम लोग कहाँ कहाँ गए, और ये 2 सप्ताह की हमारी कार्तिक परिक्रमा हुई, तो विभिन्न विभिन्न तीर्थों में, धाम में ही सब होता था, प्रयाग में भी होता था। तो इसलिए गुरु जी 96 के बाद हम सबको ब्रज में लेकर आए और एक विशेष भाव दिया, एक विशेष भाव दिया, हम यहां पर आए हैं कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। तो कौन सी तपस्या की आप लोगों ने, जो ऋषि मुनि उस कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए 60-60 हजार वर्ष तपस्या करते हैं, हमने कितने हजार की? अभी महाराज जी कह रहे थे कि किसी किसी स्थान पर प्रसाद कम पड़ गया, चावल नहीं मिला, ठंडा पानी में स्नान करना पड़ता, गर्म पानी नहीं मिला, सब जुगाड़ हो जाता है। ये कोई तपस्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
क्योंकि उद्देश्य यदि वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति है उसके सामने ये बिल्कुल तृण के समान है, कोई तपस्या ही नहीं है। भले ही अन्न की कहीं कहीं स्थान पर कमी हुई, एक दो जगह पर, ज्यादा नहीं, एक दो जगह पर ही ऐसा हुआ, वो भी हिसाब इसलिए नहीं बन पाया, दिल्ली से नोएडा से भक्त लोग आ गए तो थोड़ा सा पता नहीं लगा, लेकिन परम गुरु जी के सिद्धांत के अनुसार अनम वही ब्रह्म, परम गुरु जी कहते हैं अन ही ब्रह्म है, अर्थात अन्नकूट जो मनाया गया वो अन्नकूट क्या, भगवान की कथा रूपी कूट को मनाया गया। अन्न का मतलब मात्र भोजन करने वाला नहीं होता, अन्न को बताया हरि कथा, हरि कथा का अभाव नहीं हुआ, चावल सब्जी का अभाव भले एक दो तीन स्थान पर हुआ लेकिन हरि कथा का अभाव नहीं हुआ। वृंदावन में ऐसी हरि कथा हुई है ना, सारा विश्व ने उसको देखा है, लोग मैसेज कर रहे हैं कि इतने लेवल की, इतने ऊंचे स्तर की कथा कभी ऐसी नहीं देखी गई, एक एक वक्ता एक एक विषय पे अपनी अपनी दृष्टिकोण से अर्थात टीकाओं के अनुसार कथा को कह रहे हैं। क्या मंथन हुआ है दामोदरष्टकम का, कितने सुंदर रासलीला प्रसंग का, पूतना तृणाव्रत शक्तासुर और इन सब लीलाओं का कैसे मंथन हुआ है, इन सारी श्रेष्ठ वस्तु के सामने इस छोटी छोटी चीज का तो कोई मान्य नहीं रखता। परम दृष्टा निवर्तन्ते, जब ऊंचा स्वाद लग जाता है तो छोटे स्वाद का कुछ कोई मूल्य नहीं रह जाता, तो कौन सी तपस्या हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। महाराज ने कुछ बात, पद्म महाराज बुधायन महाराज ने सारी जिम्मेदारी लेकर, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, हम बस कथा में गए, कथा सुनाई, लेकिन पीछे से सारा प्रसाद कैसे बनेगा, कैसे वहां पहुंचेगा, बसें कैसी आएंगी, पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ना पड़ा कि हमको बसें जाने दो। जानते हैं वृंदावन में कितना कष्ट हुआ, प्रशासन की ओर से हाथ प्रार्थना करनी पड़ी, अच्छा इस बार हमको बसों को लाने दो बस, तो उन्होंने भी कह दिया बस सुबह लाने देंगे, दोपहर में नहीं, और अगले वर्ष तो उन्होंने कह दिया था अगले वर्ष हम आपको सुबह भी नहीं आने देंगे, ये भी है। इसलिए धैर्य धारण करो, देश काल परिस्थिति टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से सब कुछ होता है, आप लोग साक्षी हैं, ये कुछ कहने की बात नहीं। वृंदावन में और गोवर्धन में कितनी भीड़ है, क्या 2010 तक इतनी कभी भीड़ होती थी, इतनी नहीं होती थी, होती थी, अब तो रिक्शा भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, बस भी नहीं, कुछ भी नहीं, और अगले वर्ष तो और परेशानी होने वाली है ना। फिर यदि कोई प्रश्न उठाए, अरे गुरुजी के समय में ऐसा होता था, ओ एट द टाइम ऑफ गुरुदेव दिस वॉज हैपनिंग, द टाइम ऑफ गुरुदेव दैट वॉज हैपनिंग, वाई देर इज सो मच डाइवर्जन, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक बात और फिर समझो, गुरुजी के समय में जो लोग पुराने भक्त लोग हैं यहां पर, जो लोग पुराने हैं जो गुरुजी के समय परिक्रमा करते थे, बरसाना में अथवा यहां गोवर्धन मोदी भवन में दो हॉल में ही सब लोग रह के परिक्रमा करते थे, एक हॉल में लेडीज एक हॉल में सब पुरुष वर्ग, हम करें ऐसा, आप आएंगे परिक्रमा में, कोई नहीं आने वाला। तो नाम तो बहुत कहा जाता है गुरुजी के समय में ये हुआ था वो हुआ था, तो गुरुजी के समय में परिक्रमा भी फिर ऐसी होती थी, अब सबको अब और गुरुजी बोलते थे खेतों में जाकर टॉयलेट में जाना पड़ता था, सिर्फ दो ही बाथरूम होते थे बरसाना में मोदी भवन में, जो लोग पुराने हैं वो साक्षी हैं, और एक ही कक्ष होता था गुरुजी का जहां पर गुरुजी ब्रह्मचारियों को भी घुसा देते थे, आ जाओ आ जाओ, और पलंग के नीचे भी घुस जाते थे ब्रह्मचारी, जगह नहीं मिलती थी, है ना, वो समय था कष्ट वाला। तो यदि हम कहें ओ गुरुजी के समय में ऐसा था, गुरुजी के समय में ऐसा था, तो फिर ऐसे अभी भी रहकर कोई रह सकता है ऐसा, एक हॉल में सारी लेडीज रह सकती हैं, एक हॉल में सारे जेंट्स रह सकते हैं, नहीं, अभी हम सबको सुविधा चाहिए, इसलिए हम लोगों को परेशानी नहीं, सबकी सुविधा को समझकर विचार करके इतना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से जितनी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, गवर्नमेंट की ओर से, पुलिस की ओर से, सबको ध्यान रखते हुए इतना बड़ा स्टेप उठाया है, फिर आगे गुरुजी की इच्छा देखते क्या होता है। लेकिन हरि कथा समाप्त नहीं होगी,
हरि कथा चलती जाएगी, क्योंकि उद्देश्य यदि कृष्ण प्रेम है, ये क्या ऊंचा स्वाद है, इसके आगे और छोटे छोटे निम्न जो बातें हैं, जो निम्न स्वाद, वो अपने आप ही फीका पड़ जाता है। अभी भी परिक्रमा में भी कुछ भक्त लोग बोल रहे थे, इस बार हाँ लाइट नहीं आई, गर्म पानी नहीं मिला, ठंडे पानी से नहाना पड़ा, अगले बार सोचूंगी आऊंगी कि नहीं आऊंगी, सुन रहा था हाँ। विचार तो करते हैं कि थोड़ा सा ये हुआ वो हुआ, बसों को बाहर रोक दिया, वहां से पैदल आना पड़ा, लेकिन फिर सोचने लगे अरे तो दिन निकल जाते हैं, कौन विचार करता है, हरि कथा तो बड़ी अच्छी हुई, फिर आएंगे दोबारा। नवदीप में भी वही होता है, खाने को कहां मिल रहा है, पीने को कहां मिल रहा है, कैसे रह रहे हैं, अब अगले साल नहीं आऊंगा, 20 दिन में वो सारा आवेश समाप्त हो जाता है। फिर जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है, IGBT परिक्रमा निकालेगी, तुरंत फ्लाइट की टिकट कर लेंगे, महंगी ना हो जाएगा, फिर वही आने की इच्छा होती है, क्यों, क्योंकि ऊंचा स्वाद प्राप्त होता है। वो ऊंचा स्वाद क्या है ना, हरि कथा, वो धाम दर्शन जो अपने आप से नहीं होता, कथा के माध्यम से होता है। इसलिए सब एक दूसरे का सहयोग देकर चल रहे हैं। मैं यदि अधिक समय नहीं ले रहा, कथा भी नहीं कह रहा, एक बात बस कह रहा हूं, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते थे, ये हम सब पर लागू है, हम जो मंच पर बैठे, आप जो नीचे बैठे, सब पर। एक होता है सेवक और एक होता है वॉलंटियर। वॉलंटियर समझते हैं, सेवक और वॉलंटियर दोनों एक समान नहीं होते। सेवक जिम्मेदारी लेके सेवा करता है, मन खराब है, शरीर ठीक है कि खराब है, बुखार है, ज्वर है, तबीयत खराब है, वो ये सब चीजें नहीं, क्योंकि सेवा का दायित्व है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो छोड़ नहीं सकता, करेगा ही करेगा। और जो अपने मन के अनुसार चलता है ना, उसको कहते हैं वॉलेंटियर। आज मन अच्छा है तो खूब प्रवेशन करूंगा, आज मन अच्छा नहीं है, कमर में दर्द है, आज प्रवेशन नहीं करूंगा, है ना, आज बुखार है तो ये करूंगा, आज तबीयत सही है तो ये से करूंगा, तो अपने मन के अनुसार चलता है। मनोरथे नास्ति धावते बही, वो अपने मन के रथ पर चलता है, इसके उसको सेवक की कैटेगरी में, श्रेणी में नहीं रखा जाता, उसको वॉलंटियर रखा जाता है, किया नहीं किया उसके लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि दायित्व नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन गुरु जी बोलते थे, यही बरसाना में मोदी भवन में, मेरे को वो कथा आज भी याद है, गुरु जी इतनी डांट लगाई थी सबकी, किसी को नहीं छोड़ा था, पूज्यपाद बन महाराज जी भी वही थे, शायद स्मरण हो उनको, सन्यासी को नहीं, ग्रस्तों को नहीं, किसी को नहीं छोड़ा था। गुरु जी ने बोले, यहां पर तुम लोग क्या दामाद हो, जमाई हो, है? ये होटल में आए जमाई हो, बर्तन कोई साफ करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, कोई सफाई करने की हॉल की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, कोई बस की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तुम लोग सब यहां पर क्या अतिथि बन के गेस्ट बनकर आए हो, नहीं, तुम लोग मेरे गेस्ट नहीं हो। गुरु जी कितना प्रेम, कितने स्नेह से और कितने ठोक पीट से बात कर रहे हैं, तुम लोग सब मेरे हो, मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि मैं सबको परिक्रमा कराऊंगा, क्या मेरी सहायता नहीं करोगे, सेवक बनने आए हो कि वॉलंटियर बनने आए हो। इसलिए यहां पर हम लोग कोई दामाद किसी का जमाई बनने नहीं आए, ये मत सोचो ये सारा भार इनका है, अरे स्वयं आकर बोलो महाराज हमारी क्या सेवा होगी बताओ, एक कोई भी सेवा, गुरुजी कहते थे एक कोई भी सेवा ले लो, एक कोई भी सेवा कि सुबह की आरती मैं चारों तरफ दीपक सबको दिखाऊंगा, ये मेरी सेवा रहेगी पूरा एक महीना, इतनी छोटी सी एक सेवा है लेकिन दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सबसे पहले आकर यहां पर कीर्तन करूंगा, किशोरी मोहन प्रभु, अभी तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, उन्होंने मैसेज लिखा किशोरी मोहन प्रभु वृंदावन, और देखो ये भी कितनी सुंदर बात है, उनका मेरे को बहुत प्रशंसा करनी चाहिए, वृंदावन में और गोवर्धन में भी वही ऐसे थे सुबह और संध्या में, और ये जयश्री बच्चे है, दोनों कीर्तन आरंभ करते थे टाइम पर, कोई बैठा कि नहीं बैठा, मैं कितनी बार आया, तीन लोग बैठे होते थे, लेकिन किशोरी मन प्रभु अपना भजन, जो भी उनकी क्रिया है वो उसी प्रकार से अपना भजन गाते थे।
तो मैंने एक दिन ऐसे आंखों आंखों में बात की कि तीन ही लोग बैठे हैं, मुख से तो नहीं बोला, तो उन्होंने ऐसे आंखों से इशारा किया, गुरु जी तो बैठे हैं। कहते मैं गुरुदेव के समय से ही ऐसा करता आया हूं, तो अभी भी गुरुदेव की उपस्थिति है, मैं उनके लिए कर रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं उनकी प्रसन्नता के। कितना ऊंचा विचार है। अच्छा, जब तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, जाना पड़ा, बेचारे गा नहीं पा रहे, क्या करें, किसी का भी हो सकता है। तो मेरे को और एक दो महाराज को और भी मैसेज कर दिया कि महाराज मेरे स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं जा रहा हूं, ये जिम्मेदारी किसी और को दे देना। ये होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन किसी और को जिम्मेदारी भी तो फिर देकर जाओ कि आप देख लेना, ये नहीं बस अब खुला मैदान है, जो मर्जी देखते रहो, हो गया। दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज वॉलंटियर। वी हैव टू सर्व लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सेवक। वी शुड कम फॉरवर्ड टू एक्सटेंड अवर हैंड्स। प्लीज लेट मी नो वट स्मॉल मिनिमम वट आई कैन डू, वट एनी थिंग, एनी वन स्मॉल सेवा, इवन टू जस्ट ओवर लुक इफ प्रसादम इज बीन सर्व्ड और नॉट, और इवन इफ टू क्लीनिंग एनी सिंगल थिंग, इवन इफ कमिंग ऑन द स्टेज, महाराज ऑल सन्यासीज विल कम, आई मेक श्योर द स्टेज इज क्लीन, गुरुदेव फ्लावर्स इज बीन टेकन ऑफ फ्रॉम द प्रीवियस डे, एनी वन सिंगल सेवा फॉर 30 डेज, नियम सेवा। भैया सेवा की कमी नहीं है, विस्तार है, एक्सपेंशन है, कोई एक सेवा लेकर। हम भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं, इसलिए हम सब एक साथ, जो कोई कुछ कर सकता है, हमारी अलग अलग जिम्मेदारी है, आपकी अलग जिम्मेदारी है, महाराज बड़े महाराज जी हैं, उनकी अलग जिम्मेदारी है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर सेवा। पूज्य पद नेमी महाराज जी वृंदावन में हर रोज स्टेज पर आकर, जो गुरुदेव के समय में वो भजन गाते थे वायलिन पर, महाराज जी ने अपने उन पुरानी स्मृतियों को याद करके गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए वो सब भजन गाते थे, और स्टेज पर आकर इंग्लिश भाषा में कथा सुनाते थे। पूज्यपाद बन महाराज जी सभापति बनकर कथा का विराम, जो विश्राम देते थे, सारे जितने वक्ता ने जो कुछ बोल दिया उसका बस सार एकदम उसको पॉलिश करके, हाँ, मधुर भाषी कितने सुंदर रूप में उसको सार सुना देते थे, जो अगले दिन भी दिमाग तक रहता था कि हाँ कहां पर उसका एंड हुआ, क्या कंक्लूजन हुआ, है ना। सबका अपना अपना अवदान है, फिर हमारा क्यों नहीं हो, फिर हमारा क्यों नहीं हो। पद्म महाराज जी, बुदायन महाराज जी ने सारी जिम्मेदारी ले ली, जो भी आता है, सो नहीं पाते, मैं तो देखता था, दरवाजा बजा रहे, पंडा जी आ रहे हैं दरवाजा बजा रहे, बंगाली माता आ रही है पानी नहीं आ रहा, वो दरवाजा बजा रहे, विश्राम ही नहीं है इनको, है ना। इसको कहते हैं जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेवा करना, नहीं तो वॉलंटियर, तो फिर वॉलंटियर, आज आया कल गया, अरे जाओ स्वास्थ्य खराब हो कुछ हुआ बोल कर तो जाओ कि ये सेवा किसी और को मैंने दे दी थी, महाराज वो कर लेंगे, आप चिंता मत करो। इस प्रकार से भजन मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। जब उद्देश्य श्रेष्ठ है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, तो ये छोटी छोटी चीजें, ये बिल्कुल कोई इसका वैल्यू ही नहीं है, कोई मायना नहीं रखती, ये कोई तपस्या है ही नहीं। बोधान महाराज जी बोल रहे हमने तपस्या की, आप लोगों ने टॉलरेट किया, कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। और किसी स्थान पर वो गुरु जी उनकी परिक्रमा कराते हैं, पैदल चलते हैं 30 दिन वो पैदल, हम लोग तो टैक्सी में गए, बसों में गए, क्या सुविधा है, कुछ नहीं, एकदम स्पॉट पे जाकर गाड़ी खड़ी हो जाती है, चलना भी नहीं पड़ता था ज्यादा, टेंट में रहते हैं। हाँ, वो लोग टेंट, हम तो रूम में रहते हैं, वो लोग टेंट में रहते हैं, मैदान में, खुले मैदान में, वहां पर पशु भी आते हैं, कभी सांप भी आ जाता है, ठंडा भी होता है टेंट में रहकर, पर हमारी क्या कोई तपस्या है, कोई तपस्या नहीं है। हमारे बंगाली भक्त लोग वहां पर, हम लोग तो कमरे में अंदर, मैं कल ही सोच रहा था, बाहर देखो कैसे ठंड में पड़े हुए हैं, इतनी ठंड में, है ना, कितना सहन कर रहे हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनकी तपस्या को वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम अंदर कमरे में बैठे हैं, सो रहे हैं, लेकिन हमारे बंगाली भक्त रहा, जरा बंगाल थे कि आज से और भारी घुमा चे दो, ये तो ठंडा है,
कितना सहन कर रहे हैं। और देखो ये जो अभी बताया ना 15 दिन की परिक्रमा, इसका मुख्य कारण बतलाऊं, बहुत से कारण हैं। हम लोग गाड़ी से जैसे तैसे गोपीनाथ भवन आ जाते थे, मगर हमारे भक्त लोग बंगाली हो नॉन बंगाली हो, बसे वहां कहां एकदम दूर, प्रेम मंदिर उधर इतनी दूर खड़ी हो जाती थी, वहां से फिर पैदल आना पड़ता था। पुलिस वालों ने कह दिया अगले वर्ष हम आपको सुबह भी बस अंदर नहीं आने देंगे, तो पहले पैदल जाओ वहां पर, फिर बस से सारा दिन परिक्रमा करो, फिर पैदल वापस आओ। कितना मुश्किल है ना, क्या हृदय हाँ फटता नहीं है, दर्द नहीं होता देखकर? ये कोई मजाक है क्या? क्या पीड़ा नहीं होती कि इन भक्त पर इतना कष्ट होता है, बेचारे कैसे खाएंगे, इतनी दूर पैदल आएंगे जाएंगे, और रिक्शा भी लेंगे तो इनके पास इतना पैसा भी नहीं है। वहां से लेकर गोपीनाथ भवन तक आने में 200-300 रुपया खर्च हो जाता है एक समय पर, कहां से लाएंगे सब? इसलिए बहुत कुछ सोच विचार किया, बहुत कुछ सोच विचार किया। ऐसे नहीं सोचो कि बस हाँ मन में आ गया, और कभी भी ये अज्ञानी होगा व्यक्ति, मूर्ख होगा और अज्ञानी होगा जो सोचेगा हम क्योंकि 30 दिन की परिक्रमा कर नहीं पा रहे इसलिए कम कर दी। मत सोचना हम 2 महीने की परिक्रमा कर सकते हैं, हमारे महाराज सब लोग इतने समर्थ रखते हैं, आप सब लोग इतना समर्थ रखते हो आप 2 महीना परिक्रमा भी कर सकते हो, इसलिए ये कोई बात नहीं है, ये कोई अज्ञानी ही बात कह सकता है, स्थूल विचार वाला ही व्यक्ति, सूक्ष्म विचार वाला नहीं, अज्ञानी ही होगा, मूर्ख होगा ये सोचेगा ओ ये कर नहीं पाए इसलिए ऐसा हो गया। अरे क्या नहीं कर पाए, हम पिछले वर्ष किए, इस वर्ष किए, हम 2 महीना भी कर सकते हैं, इतना समर्थ है। पुरुषोत्तम महीना भी किया ना हम लोगों ने, पुरुषोत्तम महीने में 800 भक्त लोग आए थे। अब क्योंकि सबका एक अपना अपना स्टेटस है, काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, घर भी देखना है, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में सब लोग वहां आए थे, इसलिए ये सब विचार है भाई, सब बैठ कर विचार किए है ना, इसलिए ऐसे मन में, और कोई बोले तो कह भी देना उनको कि ऐसा नहीं है कि 1 महीना की परिक्रमा क्या, हम 2 महीना की परिक्रमा भी कर सकते हैं, साल भर रह पाओगे, लेकिन आप लोग रह पाओगे? बात तो ये है, तो इसलिए जब पक्ष लेना है तो फिर पूरा लो, फिर आधा नहीं। गुरुजी के समय में ऐसा था, गुरुजी के समय में ऐसा था, अरे गुरुजी के समय में 2 हॉल में ही रहते थे, आज की डेट में बताओ सारी माताएं 1 हॉल में रह सकते हो? देसी हो, विदेशी हो, बंगाली हो, नॉन बंगाली हो, वेस्टर्न हो, 1 हॉल में रह पाओगे? पुरुष वर्ग 1 हॉल में सब लोग रह पाओगे? गुरुजी के समय में रहते थे, फिर तो सारी बात गुरुजी के लेकर आओ ना, फिर एक बात उठाने से क्या होगा? और खाने को क्या मिलता था, मैं क्या बोलूं, इतना सब मूली के पत्ते की सब्जी, मूली का पत्ता होता है ना, उसी को भूनकर वो खाते थे, भंडारा भी होता था, लेकिन बड़े सरल सीधे। आज कोई नहीं ये सब कर सकता, इसलिए भैया टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव आवश्यक होता है। और सबसे मुख्य बात, प्रशासन की ओर से बहुत प्रेशर है, गवर्नमेंट की ओर से बहुत प्रेशर है, इसलिए गौर प्रेमानंदे।